सच तो ये है कि मैं खुद नहीं चाहता कि तुम जाओ, इतनी जल्दी नहीं। अब तुम क्या चाहते हो? आंटी बिल्कुल मामा के जैसी है ना। बहुत दिनों के बाद मैंने जिया को इतना खुश देखा है। क्या सच कहता मैं जिया से कि वो चाहती ही नहीं थी कि जिया इस दुनिया में है, क्योंकि उसका करियर ज्यादा इम्पोर्टेंट था उसके लिए। यू टेक केयर। भास्कर, आई ओके? क्या हुआ तुम्हें भास्कर? हाँ, आई थिंक इट्स वर्किंग। या? या? मुझे वापस भास्कर जैसा महसूस हो रहा है। चल उठो उठो उठो, चल बेड पे आके सो जाओ, आज आराम से आराम से। बाल तुझे पता है? कल मैं सुबह उठते से कौन सा काम करूंगा? हाँ पता है बाबा, जिम जाओगे राइट? यार इतनी स्टूपिड है यार, मैं छुट्टी लूंगा आराम से, फिर मैं ग्वालियर जाऊंगा, वो रायचूरा की डील के पैसे लेकर उससे मैं हवेली खरीदूंगा और पापा को गिफ्ट करूंगा। बहुत मन कर रहा है सबसे मिलने का पायल, पापा, माँ, चाचू, दीपू, मेरा भांजा। पायल यार 7.5 साल हो गए यार सबको मिले हुए, ये लोग मुझे भूल तो नहीं गए होंगे ना? नहीं बाबा, नहीं भूलोगे, कैसे भूल सकते हैं। तुम सो जाओ, तुम्हें पता है ना मैनुअल में लिखा था। अरे मैनुअल में नहीं, मेरी किस्मत में लिखा है कल सब ठीक हो जाएगा। कल मेरी लाइफ का सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा। गुड, चलो सो जाओ। और मेरा भी भास्कर, तुमसे ज्यादा मुझे कल का इंतजार है, क्योंकि कल मैं तुमसे कह दूंगी कि मैं तुमसे कितना। वापस आ गया हूं और आज का दिन ना मेरा नया बर्थडे होगा, नया बर्थडे। आई एम अ मैन। नो यू नॉट। व्हाट नॉनसेंस पायल, मेरी यार मेरी आवाज तो भास्कर जैसी नहीं है। डैम, मेरे हाथ ही भास्कर जैसे नहीं है यार। पायल, आई जस्ट डोंट बिलीव इट। चक्र
पानी को मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे जेल में डाल के रहूंगा। भास्कर, जो तुम करना चाहते हो वो ऑलरेडी कोई कर चुका है। ये देखो, ये देखो, 9-2-11 होने से पहले दफा 420 में पुलिस ने इसे अंदर कर दिया है। मतलब ये एक फ्रॉड है। Very nice, Kethi. Very nice. तुम्हें तो एक मॉडल होना चाहिए था। Thank you, sir. इसी थर्ड ग्रेड मैगजीन का। इसे कैबिन में रखो और कॉफी लेके आओ। जाओ। हीरा भाई। काय साहब। कौन सा फिनाइल है? साहब वो रोज का चाहे। Oh my God. लगता है मुझे ही सब बदलना पड़ेगा। इन ऑफिस के कायदों से लेके तुम्हारे फिनाइल तक। ज्ञान स्वीटी, अभी तक अमरजीत का सर्कुलर आया नहीं है, तो तुम अभी चीफ एडिटर बने नहीं हो, ओके? आउच, आउच, ज्ञान, ज्ञान, आउच। पहली बात, ज्ञान नहीं सर। और दूसरी बात सर, मेरे एडिटर बनने ना बनने के बीच में तुम अपना करियर मत खराब करो, समझे? सारे नए मॉडल्स की फोटोग्राफ्स लेके मेरे कैबिन में आओ। ब्लडी वर्कर्स। तुम नहीं समझोगी पायल, मैं इतना श्योर था कि मैं भास्कर बनने वाला हूँ, मैंने भारती के सारे रास्ते ऑफिस में बंद कर दिए। तुम्हें पता है मैंने रायचूरा को खींच के थप्पड़ मारा और मैंने ज्ञान से भी सॉलिड बंगा ले लिया यार, यही सोच के कि जाते जाते सबकी बैंड तो बजा दूं मैं। क्या? हाँ यार, लेकिन बैंड तो अब मेरी बजेगी ना, वो भी दोनों साइड से, एक तरफ वो जालिम जमींदार रायचूरा, दूसरी तरफ वो लालची मुनीम ज्ञान। वेरी गुड भास्कर, वेरी गुड। एक बार फिर तुम अपने ही खोदे हुए गड्ढे में गिर चुके हो। शट अप पायल, अगर यही मैं भास्कर बन के उठता ना तो तुम खुशी में तालियां बजा रही होती। भास्कर गिरी तो तुम्हारे अभी भी नहीं बदली। भास्कर, भास्कर गिरी? यस। ये जो तुम्हारा एटीट्यूड है ना कि गलती मेरी है लेकिन कसूर पूरी दुनिया का है। ठीक है यार पायल, तुम भी मुझे बोल लो, सब मुझे ही बोल लो, मेरी गलती है, मैं ही हमेशा गलत होता हूँ। ऑलराइट पायल, मैं थक गया हूँ यार, मैं तंग आ चुका हूँ, मैं पक चुका हूँ यार, मैं सीरियसली पक चुका हूँ। तो क्या करोगे भास्कर, हार मान जाओगे? हाँ, मॉडल, उसे मॉडल चाहिए ना, मैं उसे लाके दूंगा मॉडल। ओह रियली, कहाँ से लाके दोगे? अरमान। नहीं आ सकते? नहीं, मुझे लगा तुम वापस आ गए। तुम्हारे लिए डालिंग, क्या कर रहे हो? दुनिया देख रही है। सॉरी, एक्चुअली मैं तुम्हें जो फोटोशूट होने वाला है ना अभी, उसका मैं तुम्हें पोज बता रहा था। वो नॉटी बॉय। पता है अरमान और सनी? क्या किसी को बताना मत पर? करूँ मसाला, तेरी बातें करूँ मसाला,
मुश्किल मन पे काबू करवाना, देखे जो तुझको देखे हो जाए वो दीवाना, तेरी रंगत गरम मसाला, रंग तेरा गरम मसाला, तेरी चाहत गरम मसाला, अंग तेरा गरम मसाला, मेरे दिल पे धड़कनों पे तूने जादू कर डाला। अरे देव्या क्या चल क्या रही ऑफिस में? क्या कितने शर्म की बात है उन दोनों के लिए ना? नहीं स्वीट हार्ट, मेरे लिए। आई मीन मेरे होते हुए अरमान सनी के साथ? डिस्गस्टिंग, आई मीन टोटली डिस्गस्टिंग। फोटो वाले मैं हूं। आउच, पागल है क्या? सॉरी, तुम तो चली गई थी ना? हाँ यार, पर वापस आना पड़ा। सोचा जब तक ये मॉडलिंग का मैस कंप्लीट नहीं हो जाता मैं यहीं पर रहूं तो बेटर है। I'm so glad तुम वापस आ गए। वैसे अगर तुम चली जाती तो अगले इशू की कवर मॉडल भी चले जाती। व्हाट? मॉडल मिल गई, ये देखो। Fantastic! What a model यार! इससे तो मिलना पड़ेगा। आइला, गीतम नहीं मारती मैडम है? एकदम beautiful है ना? डिंचाक। हाँ यार, ये तो भारती है। ये क्या कोई इंटरनेशनल मैगजीन है या कोई कॉलोनी शॉलोनी की मैगजीन जिससे किसी आंटी शांटी का मूड आए तो अपने अचार दी भरनी के साथ फोटो खिंचा ले? मैं तो पहले बोला था आप लोगों को एकदम ब्यूटीफुल है, एकदम ढिंच। व्हाट? ज्ञान, भारती को मॉडलिंग ढूंढनी थी ना, उसने ढूंढ लिया। ये कैसे हो सकता है? सिक्योरिटी वाला मुझे बता रहा था कि अरमान और भारती रात 12 बजे तक ये सब कर रहे थे। तुम जितना समझते थे ना उससे ज्यादा समझदार निकली ये लड़की। हाँ, मेरी ये गलती थी कि मैंने तुम पर भरोसा किया। उस भारती से मुझे भी कुछ सीख लेना चाहिए। एक औरत का काम औरत ही कर सकती है, मर्द नहीं। ओ यार, तुम मेरी बात का कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ रहे। जब तक मेरी बात का कॉन्टेक्स्ट नहीं समझोगे तुम्हें कैसे पता चलेगा मेरी गड्डी में क्या प्रॉब्लम है? मैकेनिक बोल रहे हो? मैनेजर को फोन करो, उसको बोलो मुझे रिटर्न कॉल करे। अमरजीत जी, मैं ये जॉब छोड़ रही। किस कॉन्टेक्स्ट में? मेरा मतलब है किस सिलसिले में? इस सिलसिले में की है भाई। अमरजीत भारती अगले मैगजीन के कवर पर खुद मॉडल कर रही है। मीडिया इंडस्ट्री में हमारी थूथू होने वाली है क्योंकि हमारी एडिटर अपने आप को बहुत बड़ी हीरोइन समझती है। एक मिनट, हमने जो मॉडल पे पैसे खर्चे थे, बॉडी पेंटर्स पे पैसे खर्चे थे, मौदा क्या हुआ? अमरजीत, इस टाइम छोटे पैसों के बारे में मत सोचो, मेरी बात का कॉन्टेक्स्ट समझो। ये सोचो कि हमारे एडवर्टाइजर्स क्या कहेंगे। वो सोचेंगे कि मेंस यूनिवर्स जैसी बड़ी मैगजीन एक मॉडल का इंतजाम नहीं कर सकी जो कि हमारी एडिटर को मॉडल बनना पड़ा। हमारे सालों की रेपुटेशन एक सेकंड में खत्म हो जाएगी। हमारे सारे सपने, हमारे मुनाफे के बड़े बड़े सपने घाटे में बदल जाएंगे। घाटे में? ये क्या है? है जी? ये क्या है? मैंने क्या कोई मॉडलिंग एजेंसी खोल रखी है जिसका जी चाहे अपनी फोटो खिंचाते फिरे? ये क्या कोई इंटरनेशनल मैगजीन है या कोई कॉलोनी शॉलोनी की मैगजीन जिससे किसी आंटी शांटी का मूड आए तो अपने अचार दी भरनी के साथ फोटो खिंचा ले? है जी? वो अचार की बड़ी वाली फोटो कहाँ है? ओ यार, समझा कर, आज का वर्ड कॉन्टेक्स्ट। सर, ये मेरा आइडिया था कि कवर पर भारती की फोटो। अच्छा, और आप इस कंपनी के मालिक हैं या इस मैगजीन के एडिटर हैं? भारती और मॉडल, वेल क्या हो गया है आजकल तुम्हारे टेस्ट को? क्यों सनी? एक्सक्यूज मी, उसका टेस्ट बहुत अच्छा है। ओके और राइट सर,
आप प्लीज सिचुएशन समझने की कोशिश करिए सर। इस इशू के लिए जरूरी है कि मैं एक आम चेहरा यूज करूं, क्योंकि अगर एक मर्द किसी सुपर मॉडल की लाइफ जिएगा तो उसे शायद वो सब ना फेस करना पड़े जो एक आम औरत फेस करती है हर रोज अपनी जिंदगी में। इसीलिए मैंने इस इशू के लिए सर एक आम फेस यूज किया है, दैट इज ऑर्डिनरी, आम जनता के लिए। माफ कीजिएगा बट आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग योर कॉन्टेक्स्ट। ऑलराइट, आम इंसान से कौन कनेक्ट कर सकता है, कौन कौन आइडेंटिफाई कर सकता है आम चेहरे से? एक आम आदमी। और आज की रेट में सबसे ज्यादा बाइंग पावर किसके पास है? आम आदमी के पास। एग्जैक्टली। तो आम जनता के ऊपर टारगेट करना मतलब आमदनी बढ़ाना, हायर प्रॉफिट्स। सर व्हाट नॉनसेंस सर, हम ये अपनी मैगजीन की रीडरशिप की बात कर रहे हैं, ये आम आम क्या लगा रखा है सर, ये कोई आम का सीजन थोड़ी है। एग्जैक्टली, ये केले का सीजन है। ओके गॉड, एक्चुअली सर ये सब बहानेबाजी है, बात ये है कि भारती अपनी शर्त नहीं हारना चाहती। शर्त? शर्त ही नहीं सर, चैलेंज। भारती ने ज्ञान को चैलेंज किया था कि वो आज सुबह तक एक मॉडल ढूंढ निकालेंगी, और जो ये नहीं ढूंढ पाई सर, और इसलिए अपनी फोटोग्राफ्स इस मैगजीन के कवर पर लगा, इस कंपनी की बरसों की रेपुटेशन को दांव पर लगाकर, सिर्फ एक शर्त के लिए सर, एक शर्त। मैंने क्या ये मटकेदा अड्डा खोल रखा है जो आप लोग मेरे करोड़ों पे सौ सौ रुपए की शर्त लगाए हैं जी? सर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बस सर प्लीज आप सुनिए। बस बस बहुत हो गया भाई, इस कंपनी का मालिक कौन है? मैं। और अब इस कंपनी में वही होगा जो मैं चाहूंगा, मैं। एंड आई मीन इन ऑल कॉन्टेक्स्ट, ऑल कॉन्टेक्स्ट। भारती बुलाऊंगा, भारती, क्योंकि तू भास्कर जैसी जरा भी नहीं है, क्योंकि भास्कर एक मर्द है, मर्द। भास्कर जो कहता है ना वो करके दिखाता है, और तू सपने देखे, छुट्टी लूंगा, ग्वालियर जाऊंगा, हवेली खरीदूंगा, 7.5 साल बाद सबको मिलूंगा, लेकिन वो सब तू नहीं कर सकती क्योंकि तू भारती है, भारती, समझ में आया? तू है क्या एक मामूली कमजोर लड़की है, तू लड़की है नहीं, हेट यू। ये नहीं हो सकता, ये फिर से, ये सच नहीं। पर अफसोस ये सच है। भास्कर भारती को भारती भास्कर बनाकर बस यही सब करता हूं।